फ्रेंड, आज एक लोकल एलईडी जिसका प्रॉब्लम देखिए, बैक लाइट है, ये देखिए बैक लाइट है, लेकिन इसका नज़दीक से देखिए, ये देखिए बैक लाइट है, फिर भी इसका कोई भी स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो आज हम इस जो सेट है इसके प्रॉब्लम के बारे में आज डिटेल्स चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए तो सभी प्रॉब्लम आपको क्लियर से समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तो आपके लाइक में हमारे मोटिवेशन मिलते हैं। तो ये देखिए, अगर ऐसे प्रॉब्लम आए, बैक लाइट ऑन है, देखिए बैक लाइट ऑन है, फिर भी इसका अगर लाइट नहीं आ रहा है, तो इसको आप इसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो पहले चेक करिएगा, और इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस करिएगा। जो चलिए कैसे आप चेक कर सकते हो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, ऐसे प्रॉब्लम अगर मिले तो पहले आप चेक करिएगा इसका जो स्केलर बोर्ड का वोल्टेज है वो वोल्टेज पहले चेक कर लीजिएगा। तो स्केलर बोर्ड को वोल्टेज चेक करने के लिए हमने ग्राउंड को लगा दिया, 200 का वोल्टेज देखिए, इसका सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट एकदम सही आ रहा है। इसका एबीडीडी नहीं है, रिकॉम वोल्टेज नहीं है, और वीडीडी वोल्टेज 3.3 है, लेकिन नहीं है, डी रेफरेंस नहीं है। एक्चुअली इसका जो डीसी टू डीसी आईसी में के बाद जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो वोल्टेज कोई भी एक वोल्टेज नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले आप चेक करिएगा इसका जो डायोड रेंज पे कंटिन्यूटी रेंज पे रखे इसका जो पॉइंट है वो पहले उस पॉइंट में आप शॉर्टेज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वोल्टेज शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पर भी शॉर्टेज नहीं है, ये देखिए VGHF वोल्टेज में इसका शॉर्टेज आ रहा है, तो और कुछ शॉर्टेज है या नहीं देख लेते, नहीं VGHF में शॉर्टेज आ रहा है। तो क्या करेंगे, VGH के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर है उसे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए वीजे का जो कैपेसिटर है उसमें शॉर्टेज दिखा रहा है। तो हमने पहले क्या करना है, इसका जो कैपेसिटर है उसको पहले उतार देंगे, इसको कैपेसिटर से उतारने के बाद हमने ऊपर वोल्टेज को चेक करेंगे। तो चलिए अभी इसका जो कंटिन्यू किया एक बार फिर से देख लेते हैं, जो शॉर्टेज था देखिए VGHF में जो शॉर्टेज था वो अभी नहीं दिखा रहा, ठीक है, VGHF में शॉर्टेज अभी नहीं दिखा रहा। चलिए अभी इसको पावर देके देख लेते हैं, इसको पावर देते हैं और पावर देने के बाद वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, इसको वोल्टेज क्रिएट होता है या नहीं। चलिए पहले VGH में शॉर्टेज था, ये देखिए 29 वोल्ट आ गया, अब एबीडीडी भी वोल्टेज देख लेते हैं, ठीक है, बी कॉम ठीक है, तो वोल्टेज लगभग सब ठीक हो गया। अभी हमें फ्रंट साइड को आपके देखना है, ये देखिए, तो देखा कितना इसी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने के लिए। वीडियो अगर कैसे लगे, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और आपके लाइक शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।